आज यहाँ पर संतोष नगर ताहम जिम में चौरस्ते पर यादगिरी थिएटर के करीब अभी अभी यौम आज़ादी का जश्न यहाँ पर मनाया गया। अभी अभी फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम हुआ और मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 75 साल का हम यहाँ पर यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आप तमाम लोग देख रहे हैं कि तकरीबन 10 से 15 दिन से यहाँ पर तेलंगाना में हैदराबाद में जश्न मनाया जा रहा है और तमाम लोगों को चाहिए कि इस जश्न के साथ साथ मैंने अभी अभी बात की है कि प्यार मोहब्बत की बात करना है, एक दूसरे से मिलजुल के रहने की बात करना है और मोहब्बत बांटने का काम जो हमारा है वो हमेशा मोहब्बत बांटते रहना है और लोगों को एक साथ करना है। और मैं उन एथलीट्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हमारे इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स में नाम रोशन किया है और इंडिया को 4th नंबर आया है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया ने 61 मेडल्स हासिल किए जिसमें 22 गोल्ड हमको आए और 16 सिल्वर मेडल आए और 23 ब्रॉन्ज मेडल आए। और हमारे स्टेट के जो चैंपियंस हैं जिसमें पीवी सिंधु है, निखत जरीन है और भी एथलीट्स है, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम एथलीट से ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को मजबूत करना है तो अपने आप को हेल्दी अगर रखना है तो मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। हार्डवर्क करते हुए ये बात दिमाग में रखिए हमेशा कि हमेशा मैं अपने लिए नहीं करूँगा, मैं जो भी करूँगा अपने भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए करूँगा और मेहनत करके मैं भी जिस तरीके से दूसरों ने मेडल हासिल किया है उस तरीके से मैं भी मेडल लाऊँगा इंडिया के लिए। ये हमारे एथलीट्स को मैं कहना चाहूँगा, ये जज्बा अगर रहा तो हम कामयाब हो सकते हैं। और इसी बात के साथ मैं मीडिया का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर आके इस प्रोग्राम को सक्सेस किया है। थैंक यू वेरी मच। Thank you.